फ्रेंड्स, एच सी वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 6 गॉस लॉ का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ए बाई टू अबव द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्वेयर सरफेस ऑफ द एज ए एज सोन इन फिगर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वेयर सरफेस। देखो, ये हमें एक स्क्वेयर सरफेस दे रखा है। अगर इस स्क्वेयर सरफेस को लेके मैं एक क्यूब बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको लेके एक क्यूब बना देता हूँ। देखो, ये वाला स्क्वेयर सरफेस है मेरे पास, और ये इस कहाँ पे प्लेस हो गया, जो चार्ज है यहाँ पर क्यू, क्या क्यू चार्ज, वो कहाँ पर प्लेस हो गया, सेंटर पे प्लेस हो गया। तो अब यहाँ से जो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो सभी सरफेसेस से देगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चारों तरफ होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, यहां से कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज एनक्लोज द सरफेस होगा। तो टोटल सरफेस है कितने, 6 सरफेसेस हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर हम फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस निकालें, ओनली 1 सरफेस, क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस में से ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एक ही है, तो एक सरफेस के अलोंग कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 10^-7 एट द सेंटर एंड अनोदर इक्वल चार्ज एट ए पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो चार्ज प्लेस है वो दे रखा है बच्चों 10^-7 कूलम। यहाँ पर भी हमें चार्ज दे रखा है अनोदर चार्ज, जिसकी वैल्यू 10^-7 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द फ्लक्स। तो देखो, फ्लक्स जो होता है स्फेरिकल बॉडी के, यानी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसकी वजह से होता है, बाहर की वजह से कुछ कोई फ्लक्स नहीं होता है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूँ तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10^-7, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10^-12। तो यहाँ से मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगा 1.1 × 10^4 न्यूटन पर मीटर कूलम के इक्वल आ जाएगा। नंबर 8 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ एन इमेजनरी हेमीस्फेरिकल सरफेस यूजिंग सिमिट्री आर्गूमेंट्स एंड द गॉसेस लॉ, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देयर चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमीस्फेयर। तो बच्चों, हमें हेमीस्फेयर दे रखा है, यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है, ठीक है। अगर देखो, मैं इस हेमीस्फेयर को कंप्लीट क्लोजली बनाना चाहूँ, ये हेमीस्फेयर है, तो मुझे एक हेमीस्फेयर इसके ऊपर और लगाना पड़ेगा। तो चार्ज यहाँ पर कितना दे रखा है, क्यों दे रखा है, यानी प्लस का क्यों दे रखा है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालता हूँ यहाँ से बच्चों, टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस में कितने हेमीस्फेयर आ रहे हैं, 2 हेमीस्फेयर। तो मैं सीधे सीधे ये भी कह सकता हूँ कि 2 हेमीस्फेयर्स पे जो मेरे पास फ्लक्स है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू 1 हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 1 हेमीस्फेयर, 1 हेमीस्फेयर, क्योंकि ये हमारे पास एक हेमीस्फेयर इसी में से हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। नंबर 9 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, ए स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी 2 × 10^-4 कूलम मीटर क्यूब
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमसे कह रहे हैं कि स्फेरिकल वॉल्यूम है वो मैंने कंसिडर कर लिया। अब स्फेरिकल वॉल्यूम के की चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है रो की वैल्यू 2.0 × 10⁻⁴ कूलम मीटर स्क्वेयर। अभी कह रहा है इसकी रेडियस यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी मैं इसको यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस का मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर इतनी रेडियस जो 4 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, ये दिस इज, तो यहाँ तक पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस वाले पॉइंट पे, रेडियस के इस वाले पॉइंट पे। तो देखो इसका हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो निकल के आता है नॉन कंडक्टिंग सरफेस वाला रो आर बाय 3 ε₀। तो रो की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁴, और जो इंटरनल रेडियस है वो भी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 ε₀ की वैल्यू भी हमें पता है 8.85 × 10⁻²। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, देखो पहले पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁶ यहाँ रह जाएगा, 2 × 8, तो ये हो गया बच्चों 8/3 × 8.85, और पावर बच गई ऊपर 10⁻⁶, हमारे पास 6 आ गया। ओके ठीक है, अब इससे इसको कर सकते हैं तो 1.106 यानी इतने टाइम से जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3.318 कुछ ऐसे आएगा 10⁻⁶। तो इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 के अराउंड जाएगा, यानी 0.3 × 10⁻⁶ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस जेड इज इक्वल टू 79 इज अबाउट 7 × 10⁻¹⁹ मीटर। एज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट एट द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट ही हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकेंड पॉइंट को पढ़ लेंगे। ये हमसे कह रहा है कि एक गोल्ड का न्यूक्लियस है और जिस जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने ये मान लिया। अभी कह रहा है इसके आउटर सरफेस पर, तो द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा q/4πε₀r² और हमें यहाँ पर q की वैल्यू चाहिए। q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अगर मैं निकालूँगा तो ZE के इक्वल हो जाएगा। ZE कितना है बच्चों 79, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। 4πε₀ की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 × 10⁻⁹, और R भी हमको यहाँ से गिवन है, इसका कितना है रेडियस रखी है 7, तो 7 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप इसको सॉल्व करें ना, डायरेक्ट इसका हम आंसर लिख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.32 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर कूलम आंसर आएगा। अब बी पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस, यानी हमें ये सेंटर हो गया तो मिडिल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मुझे इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए वही फॉर्मूला जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, रो आर बाय 3 ε₀। तो आर तो हमें पता है, ठीक है, इसका हाफ हमें दे रखा है 7 का, तो आर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 7/2 × 10⁻¹⁹, नीचे 3 और 8.85 × 10⁻¹² इसकी वैल्यू बचा रो। रो क्या होती है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 πr³। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, देखो क्या होगा 7 जो कटेगा, देखो 3 से 3 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं,
तो ऊपर बचेगा 7 × 10⁻¹⁹ जेड की वैल्यू 79, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय, इधर बचेगा नीचे 8.85 × 10⁻¹½, इधर से 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब, तो आर 7 × 10⁻¹⁹, ठीक है, का क्यूब हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 1 7 ये वाला भी इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, देखो 79 × 1.6 पावर्स को भी मैं साथ साथ सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से 1 19 पावर और 1 7 19 यहाँ से चला गया, तो ऊपर जो बचा ये बचा और नीचे 8.85 × 10⁻¹½, 4 × 22 करेंगे तो 88 और 1 7 × 10⁻¹⁹ यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो उसको मैं यहाँ पर सीधा सीधा कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ 1.16 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा बच्चों।